नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है होंडा कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक, जो कि है 2022 की न्यू होंडा SP125 BS6 मॉडल। तो दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे बाइक देख रहे हैं, ये इसका 2022 मॉडल है, जिसमें आपको होंडा की तरफ से बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिलते हैं, फीचर्स वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, लुक्स वाइज, क्योंकि इसमें आपको कुछ नए चीजें देखने को मिलती है, कुछ नए फीचर्स एड देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो ग्राफिक्स है ना, वो भी पहले से अपग्रेड हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के अलावा इसकी जो प्राइस है ना, वो भी पहले से बढ़ चुकी है। तो हम आपको आज की वीडियो में इसी बाइक के बारे में डिटेल में बताएंगे कि 2022 में इस बाइक में आपको क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं, क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस देखने को मिलेगी वो आपको कितना देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हम आपको इसके एक्सऑन प्राइस के साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में न्यू होंडा SP125 लेने जाते हैं, तो आप लोग जो कंप्लीट बाइक है आपको कितने में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बाइक को लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान कर रहे हैं 2022 में, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नई वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले चेंज के बारे में, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में, इसके ग्राफिक्स वाइज। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं, ये इसका रेड मेटालिक कलर है, जिसमें आपको पूरी बाइक आपको रेड कलर में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसकी जो बॉडी देखने को मिलेगी ना, उसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट और सिल्वर कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इस बाइक के ग्राफिक्स वाइज, तो दोस्तों, अब इसकी जो ग्राफिक्स मिलती है ना, वो आपको थोड़ा सा पहले से अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग फ्रंट में देखेंगे तो हेडलैम्प के दोनों साइड में आप देखेंगे, तो पहले इसमें आपको ये जो ग्राफिक्स मिलती थी ना, आपको छोटा ग्राफिक्स मिलता था, लेकिन अब इसकी जो ग्राफिक्स मिलती है ना, वो आपको पहले से थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है देखने में। तो दोस्तों, अब इसकी जो ग्राफिक्स है ना, वो पहले से अपग्रेड हो चुकी है। तो आप लोगों को ये जो नई ग्राफिक्स देखने को मिलती है, इसका जो लुक देखने को मिलता है, ये आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो रेड मेटालिक कलर है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करें इस बाइक के अगले चेंज के बारे में, यानी कि इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों, अब इसकी जो प्राइस है ना, पहले से 5 से 6 हजार रुपए बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक्सऑन प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इस बाइक में आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है ड्रम मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसका जो ड्रम मॉडल आ रहा है, इसकी जो एक्सऑन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 82,312 रुपए एक्स शोरूम UP वाराणसी की प्राइस। और इसका जो डिश मॉडल आता है, वो आता है 86,312 रुपीज एक्स शोरूम UP वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है ना, पहले से 5 से 6 हजार रुपए बढ़ चुकी है। और अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो इसका जो ड्रम मॉडल आएगा ना, वो लगभग आप मान के चलिए 96,000 टू 99,000 के बीच में आपको इसका ड्रम मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो डिश मॉडल मिलेगा, वो आपको मिलता है 99,000 टू 1,04,000 के बीच में आपको इसका डिश मॉडल कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस बाइक का जो सबसे पहला चेंज मिलता है कि इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलती है ना, आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। दूसरा चेंज, इसकी जो प्राइस है ना, पहले से 5 से 6 हजार रुपए बढ़ चुकी है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से डिजाइन मिलता है ना, वही सेम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इसके वाइजर पे आप देख सकते हैं होंडा का बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब इसका जो वाइजर मिलता है ना, आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं ग्लॉस फिनिश मिलेगा, नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैट ब्लैक देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा प्यारा लगता है देखने में। और अगर हम बात करें इस बाइक के ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, साइड में जो ग्राफिक्स मिलते हैं, इसी की बात कर रहे थे कि अब इसकी जो ग्राफिक्स मिलते हैं, वो आपको थोड़ा सा बड़ा ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा, वही आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिलता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है, इसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये हार्ड फाइबर से बनाया गया है। और अगर हम बात करें इस बाइक के हेडलैम्प के बारे में, तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना, वही सेम आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बाइक का जो हेडलैम्प है ना, वही सेम देखने को मिलेगा। तो इसकी जो रोशनी है, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, इसको लेकर आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के साइड से लुक के बारे में, साइड प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये इसका रेड मेटालिक कलर है, तो इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना, काफी प्यारा और काफी आई कैचिंग कलर लगता है देखने में। तो आप लोग को इसका साइड प्रोफाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको पहले वाला सस्पेंशन लगाया गया। और यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं सस्पेंशन के दोनों साइड में देखेंगे तो येलो कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाती है। और अगर हम
बात करें बाइक के फ्रंट ब्रेक के बारे में तो गौर करिएगा ये इसका ड्रम मॉडल है। इसमें आपको फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसका डिश मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 240 mm का डिश ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको ड्रम ब्रेक जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है यानी कि CBS सिस्टम देखने को मिलता है। इसका यूज आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग इसका रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका जो फ्रंट ब्रेक है ना वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, तो इसकी वजह से आपकी जो बाइक है ना इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलती है वो भी आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 80/100 का, 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके फ्रंट सेक्शन में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से हैंडल बार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो स्विचेस मिलते हैं ना वही सेम आपको पहले बार देखने को मिलेंगे। स्विचेस क्वालिटी जो मिलती है वो भी आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो साइड मिरर मिलेगा वो भी आपको पहले वाले डिजाइन देखने को मिलती है जो कि डेली कम्यूटर बाइक वाले देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं वही सेम आपको सिंगल स्विच देखने को मिलेगा जो कि है इंटीग्रेटेड इंजन ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग एक ही स्विच से दोनों काम कर सकते हैं जो कि आपको पहले भी देखने को मिल जाती थी। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के हैंडल बार की बात। और अगर हम बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना वो आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के चेंजेस के बारे में तो इसके मीटर कंसोल के डिस्प्ले में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख सकते हैं एक इको मोड की लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो दोस्तों इसमें आपको जो मीटर कंसोल में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उनकी बात कर लेते हैं तो इसमें आपको इको इंडिकेटर मिल जाता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, एवरेज इंडिकेटर मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, टेकोमीटर मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको टाइम मिल जाता है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब इसमें आपको एवरेज इंडिकेटर मिलता है यानी कि आपकी जो बाइक है ना 1 लीटर में आपको कितना एवरेज देती है आपको वो देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले में जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना वो आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है ना आपको पहले की तरह काफी मस्कुलर देखने को मिलेगा जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं मेटालिक रेड देखने को मिलता है, बीच में आप देख सकते हैं मैट ब्लैक देखने को मिलती है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक का जो काउल देखने को मिलेगा इसके ऊपर आप देख सकते हैं होंडा का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट कलर में काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो ग्राफिक्स है ना इसकी वजह से जो लुक निकल के आता है ना काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों आप लोग को इसका साइड से लुक इस ग्राफिक्स की वजह से कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये ग्राफिक्स और ये जो मेटालिक रेड कलर है काफी प्यारी लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा वॉक मिलता है 11 लीटर का। और अगर हम बात करें इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसका जो इंजन मिलेगा ना वही सेम आपको पहले वाला देखने को मिलता है जो कि आपको मिलेगा 123.9 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक SI BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 8 kW का 7500 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 10.9 Nm का 6000 rpm पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वो भी आपको वही सेम देखने को मिलता है जो कि आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब इसका जो इंजन है वो आपको पहले से थोड़ा सा और रिफाइन देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए अब इसके साइड स्टैंड में भी आप देख सकते हैं साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसका यूज आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटाएं तो आपकी जो बाइक है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं। तो दोस्तों ये जो साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम है ना 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके साइड काउल पे आप देख सकते हैं SP125 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और अगर हम बात करें बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में इसके सीट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि SP125 का जो सीट आता है ना वो पहले से ही काफी कंफर्टेबल देखने को मिलेगी, लेकिन 2022 में अब इसकी जो सीट है इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो आपको और भी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। तो अब इसमें आपको जो राइडिंग के टाइम पर जो कंफर्ट मिलेगा ना आपको पहले से और भी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर का पिलियन ग्रेविल देखने को मिल जाती है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए पिलियन में आप देख सकते हैं साइड में देखते हैं ब्लैक और व्हाइट और रेड कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के पिलियन के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको लेडी फुटरेस देखने को मिल जाता है, सारी गार्ड देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है तो इसमें आपको लेडी फुटरेस कंपलसरी है, तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के पिलियन की बात। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर प्रोफाइल के बारे में, रियर से लुक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक निकल के आता है ना वही सेम आपको पहले वाले देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टेल लाइट
मिलेगा वही आपको बल्ब टेल लाइट देखने को मिलती है जो कि आपको पहले वाली देखने को मिलती है। इसमें आपको लुक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के दूसरे साइड से, तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे देख सकते हैं वही सेम आपको रेड और व्हाइट कलर की ग्राफिक देखने को मिलती है जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और अगर हम बात करें इस बाइक के रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है, 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को दे देती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टायर मिलेगा वो भी आपको सेम देखने को मिलता है जो कि है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। और इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलेगी जिसकी साइज है 130 mm का। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए इसमें आपको किक और सेल दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक का जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2020 mm का। इसका जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1103 mm का। इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1285 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वॉक मिलता है 160 mm का। इसका जो कार्बेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 117 kg की। इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 790 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है जो कि है 11 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात, अब आपको थोड़ा सा लास्ट में इसके माइलेज की बात कर लेते हैं क्योंकि अब इसका जो माइलेज है पहले से 16% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब इसका जो माइलेज मिलेगा वो लगभग आप मान के चलिए 60-65 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो अगर आप लोग 125cc की बाइक लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको माइलेज इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अब इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना वो भी आपको पहले से थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात, अब लास्ट में आपको बता देते हैं कि इस बाइक में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फीचर्स वाइज इस बाइक में आपको कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पहला, इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम मिल जाता है। दूसरा, इसमें आपको ग्राफिक्स जो मिलती है ना आपको थोड़ा सा अपग्रेड हो चुकी है। तीसरा, इसकी जो प्राइस है पहले से 5-6 हजार रुपए बढ़ चुकी है। चौथा, इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना आपको पहले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारे चेंजेस के 2022 मॉडल में देखने को मिलते हैं। बाकी बाइक पहले की तरह ही लुक्स वाइज फीचर्स वाइज में आपको और कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये रेड मेटालिक कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।